हेलो एवरीवन माय सेल्फ मिसिस बिन्दा कुमारी वेलकम टू ऑनलाइन क्लास टुडे आई वुड लाइक टू टीच यू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मिनरल मैं आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ मिनरल पढ़ाऊंगी स्टूडेंट्स आप लोगों ने मिनरल प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे से समझ लिया होगा जिन लोगों ने नहीं समझा है मिनरल एंड पावर रिसोर्सेस पार्ट वन को वॉच करेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा अब हम लोग जानेंगे मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर कहाँ कहाँ कैसे हुआ है स्टूडेंट्स मेटेलिक मिनरल्स अक्सर इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक में पाया जाता है नॉन मेटेलिक मिनरल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है सेडिमेंट्स प्लेन यंग फोल्ड माउंटेन आयरन और मेटेलिक मिनरल्स का एग्जाम्पल है जो नॉर्थ स्वेडन के माउंटेन में पाया जाता है कॉपर और निकेल ऑन्टेरियो के माउंटेन में पाया जाता है ऑन्टेरियो कनाडा में है आयरन निकल क्रोमाइट प्लेटिनम ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है साउथ अफ्रीका के इग्नियस और मेटामॉर्फिक माउंटेन में ये पाए जाते हैं लाइमस्टोन स्टोन में पाया जाता है जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं मैगनीज जॉर्जिया और यूक्रेन में पाया जाता है फॉस्फेट बेड अल्जीरिया में पाया जाता है ये सभी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं कोल एंड पेट्रोलियम सेटीमेंट्स में पाए जाते हैं अब हम लोग आगे जानेंगे कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं सबसे पहले हम लोग एशिया कॉन्टिनेंट में जानेंगे एशिया कॉन्टिनेंट में लार्ज क्वांटिटी में आयरन और पाया जाता है और जिन कंट्रीज में पाया जाता है उसका नाम है इंडिया और चाइना संसार में जितने टीन का प्रोडक्शन होता है उनमें आधा से अधिक टीन का प्रोडक्शन अकेले एशिया कॉन्टिनेंट में होता है और एशिया कॉन्टिनेंट में जिन कंट्रीज में तीन का प्रोडक्शन होता है वे कंट्रीज हैं चाइना मलेशिया इंडोनेशिया लेड एंटीमनी टंगस्टन ए चाइना में पाए जाते हैं बॉक्साइड निकेल जिंक एंड कॉपर ये एशिया कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं नेक्स्ट यूरोप है। यूरोप में आयरन और का प्रोडक्शन अधिक होता है और यहाँ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन और यूरोप है यानी कि आयरन और यूरोप में रसिया यूक्रेन स्वीडन और फ्रांस में पाए जाते हैं कॉपर कॉपर लेड जिंक मैग्नीज निकेल ये सभी ईस्टर्न यूरोप और यूरोपियन रशिया में पाए जाते हैं नॉर्थ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका में मिनरल्स डिपॉजिट हैं और ये मिनरल्स थ्री जोन्स में लोकेटेड हैं फर्स्ट कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लैक एपेलिशियन रीजन माउंटेन रेंज ऑफ वेस्ट कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लैक्स को कैनेडियन सील्ड रीजन भी कहा जाता है और कैनेडियन सील्ड रीजन में आयरन और निकेल गोल्ड कॉपर एंड यूरेनियम पाया जाता है एपेलिशियन रीजन में कोल पाया जाता है वेस्टर्न कार्डिलेराज माउंटेन रेंज ऑफ द वेस्ट भी कहा जाता है और यहाँ पे कॉपर लेड जिंक गोल्ड सिल्वर पाया जाता है साउथ अमेरिका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई क्रेड आयरन और इन द वर्ल्ड संसार में हाई ग्रेड आयरन और का प्रोडक्शन सबसे अधिक साउथ अमेरिका में ब्राजील में होता है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर चील और पेरू हैं लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टीन टीन का सबसे अधिक प्रोडक्शन ब्राजील और वोलिविया में होता है मिनरल वायल वेनेजुएला, अर्जेंटाइना चेल पेरू और कोलंबिया में होता है गोल्ड सिल्वर जिंक क्रोमियम मैग्नीज बॉक्साइड माइका प्लेटिनम एस्बेस्टोस एंड डायमंड ये सभी साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं नेक्स्ट कॉन्टिनेंट अफ्रीका डायमंड गोल्ड एंड प्लेटिनम का सबसे अधिक प्रोडक्शन अफ्रीका में होता है संसार में गोल्ड का प्रोडक्शन अधिक से अधिक पार्ट का प्रोडक्शन साउथ अफ्रीका जिम्बावे और चेरे में होता है आयल इस फाउंड आयल पाया जाता है नाइजेरिया लीबिया एंड अंगोला में कॉपर आयरन और क्रोमियम यूरेनियम कोबाल्ट एंड बॉक्साइड अफ्रीका में पाया जाता है नेक्स्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइड इन द वर्ल्ड संसार में अधिक बॉक्साइट का प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया में होता है लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ गोल्ड कालगोली एंड कुलगार्डी एरिया ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड डायमंड आयरन और टीन एंड निकेल ऑस्ट्रेलिया में है रिच इन कॉपर लेड, जिंक एंड मैगनीज ऑस्ट्रेलिया में है अंटार्कटिका ये भी कॉन्टिनेंट है जहाँ कोल का प्रोडक्शन ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन में होता है और आयरन का प्रिंस चार्ल्स माउंटेन में ऑफ ईस्ट अंटार्कटिक ईस्ट अंटार्कटिक के प्रिंस चार्ल्स माउंटेन में आयरन का प्रोडक्शन अधिक होता है आयरन और गोल्ड सिल्वर एंड आयल ये सभी अंटार्कटिका में पाए जाते हैं जहाँ पर कि अभी कमर्शियल क्वांटिटी में यानी कि व्यापार करने के लिए बहुत मात्रा में उपलब्ध है स्टूडेंट्स ये हमारा वर्ल्ड मैप है और वर्ल्ड मैप में मिनरल्स को कैसे दिखाया जाता है सबसे पहले इसको समझेंगे हम लोग ये देखिए ये हमारा आयरन है लिखा हुआ है आयरन जहाँ जहाँ पाया जाता है उसको इस सिंबल से दिखाया गया है कॉपर कॉपर के लिए ए सिंबल लिया गया है और बॉक्साइड के लिए ए सिंबल आयरन पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ पाया जाता है जहाँ पर भी ए सिंबल होगा वहाँ पर आयरन पाया जाता है सबसे पहले ये हमारा नॉर्थ अमेरिका है देखिए नॉर्थ अमेरिका में ए सिंबल है आयरन का यह है ये है ये इन इन जगहों पर आयरन पाया जाता है फिर साउथ अमेरिका है यहाँ देखिए ये है यहाँ पर आयरन पाया जाता है फिर अफ्रीका में ये है ये है यहाँ पे आयरन पाया जाता है फिर यूरोप में ये देखिए ये है ये इस तरह से यहाँ पर भी है फिर एशिया में एशिया में ये है ये है फिर ये है ये हैं इन सभी प्लेसेस पर आयरन पाए जाते हैं अब ये है कॉपर कॉपर का सिंबल इस तरह से इस सिंबल को हम लोग दे देखते हैं नॉर्थ अमेरिका में ये देखिए ये है सभी हैं यहाँ